यह त्रिगुण संपन्न ऐसी पूर्णिमा है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा की भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है तीन वजह से यह पूर्णिमा मनाई जाती है, सिद्धार्थ के जन्म के तौर पर, उसके बाद सिद्धार्थ को जो संबोधि प्राप्त हुई उस तौर पर, और तथागत भगवान बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उस तौर पर। और यह कितनी अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है कि यह तीन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग है सिद्धार्थ और बुद्ध के जीवन में, वह एक ही दिन हुए या एक ही रात में हुए। यह कितनी कितनी विस्मयकारी, एक प्रकार से जादुई और अलौकिक ऐसी बात है। मुझे नहीं पता कि दूसरा कोई महामानव या कोई व्यक्ति इस दुनिया में हुआ है जिसके जीवन में एक ही दिन ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं उसके जीवन की घटी हुई है। तो यह भी एक बहुत ही विस्मयकारक, बहुत ही अलौकिक ऐसी बात है कि सिद्धार्थ और भगवान बुद्ध के जीवन की तीन सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन हुई है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए पूरे विश्व में, पूरे बौद्ध जगत में यह पूर्णिमा बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भावनाओं के साथ मनाई जाती है। और इसको मनाने का जो प्रचलन है वह दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं बुद्ध को, वैसे वैसे यह पूर्णिमा और ज्यादा अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। तो भाई और बहनों, आपको पता होगा सिद्धार्थ का जो जन्म है वह आज का जो लुम्बिनी है नेपाल में, और उस समय वह भारत जो जाना जाता था वह जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इस जम्बू द्वीप देश में लुम्बिनी इस स्थान पर सिद्धार्थ का या बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उसके बाद में उनके आयु के 35वें वर्ष में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, और यह निर्वाण उन्हें जो आज का बोध गया है बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, और वह भी दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस समय उसे मगध देश का, मगध प्रदेश का उरवेला प्रदेश कहा जाता था। तो वहां पर उन्हें आज ही के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। यह दूसरी घटना थी उनके जीवन में, सिद्धार्थ तथागत बने, बुद्ध बने, उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। उसके बाद में उनके आयु के 80वें साल में वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और यह महापरिनिर्वाण उन्होंने जो आज का कुशीनगर करके है उत्तर प्रदेश में, और उस समय उसको कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, वहां पर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो ऐसी यह तीन घटनाएं, यह तीन सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं सिद्धार्थ और बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। तो हम बौद्धों का यह कर्तव्य बनता है कि यह जो पूर्णिमा है वह बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े पैमाने पे हम मनाएं, और हम मना रहे हैं। इसलिए मैं फिर से
आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, मैं कुछ उनकी ये जो तीन घटना है, सिद्धार्थ का जन्म, उसके बाद में सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्ति और उन्हें महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाओं की कुछ बातें करना चाहता हूं। और वह बातें भी उतनी ही अद्भुत है, उतनी ही रोचक है, उतनी ही अलौकिक है जितना कि यह एक ही दिन घटना। तो सबसे पहले हम उनके जन्म को देखते हैं, सिद्धार्थ के जन्म के तरफ हमारा ध्यान लाते हैं। आपको पता होगा सिद्धार्थ का जो जन्म है, उनके पिता थे राजा शुद्धोदन, कपिल वस्तु उनकी राजधानी थी और ऐसा शाक्य कुल था उनका, और वह शाक्यों की कपिल वस्तु राजधानी थी। और उस समय की जो पद्धति थी, एक प्रकार से कुछ हद तक वह लोकतांत्रिक पद्धति थी और कुछ प्रमाण में राजेशाही थी। तो यह दोनों का एक संगम हम उस प्रणाली में, उस सिस्टम में देख सकते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ काल के लिए, कुछ सालों के लिए राजा चुना जाता था, और उस तरह से शुद्धोधन को उस समय उस शाक्य राज्य का राजा चुना गया था। और तो उस तरह से शुद्धोधन जो थे वह सिद्धार्थ के पिता थे, और उनकी माता जो थी उनका नाम आप सभी को पता है, महामाया था। लेकिन मैं यह जानबूझकर बताना चाह रहा हूं, आपको पता होगा इसके साथ कई, उनके जन्म के साथ कई घटनाएं जुड़ी है। उनके गर्भ प्रवेश के साथ भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब महामाया को गर्भधारणा होनी थी, उसके पहले महामाया ने एक स्वप्न देखा था। महामाया एक रानी थी, तो महामाया ने वो जो सपना देखा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सपने में देखा था कि एक शुभ्र हाथी, सफेद हाथी, और उसके सूंड में सफेद कमल है, वह उन्हें सपने में दिखा। और उस हाथी ने, हाथिया ने, थोड़ा सा बालक समान था वह हाथी, पूरा मतलब पूरा ग्रोन अप जैसा नहीं था, तो वह जो बालक जैसा हाथी था, सफेद था पूरा, कमल पुष्प लिए हुए था सफेद रंग का, वह आया और उसने महामाया की, ऐसा कहते हैं उस सपने में, प्रदक्षिणा की, तीन बार प्रदक्षिणा की। और वह प्रदक्षिणा करने के बाद वह महामाया के गर्भ में प्रवेश किया। तो यह एक बहुत ही अद्भुत ऐसा सपना था। दूसरी बात जो थी उनके साथ घटी, महामाया को जब वह एक उनके पिता माता पिता के घर जाने की इच्छा व्यक्त की थी उन्होंने शुद्धोदन से, और शायद उस समय भी यह एक पद्धति रही होंगी कि जो भी अगर जन्म देना है तो अपने माता पिता के घर जाए, ऐसी पद्धत शायद उस वक्त रही होगी। तो महामाया ने वह इच्छा जाहिर की थी, तो राजा ने पूरी व्यवस्था की शुद्धोदन ने, और उन्हें उनके जो पैतृक गांव है वहां पर जाने की व्यवस्था की थी। तो ऐसा कहते हैं कि जाते जाते एक लुम्बिनी करके वन आया, उस वन में वह कुछ देर रुके, और उसी वन में एक पेड़ की शाखा दाएं हाथ से पकड़े हुए उन्हें प्रसव वेदना हुई,
और वहीं पर ऐसा कहते हैं कि बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो इस तरह से सिद्धार्थ लुम्बिनी प्रदेश में, जो आज भी नेपाल में है, लेकिन उस समय वह जम्बूद्वीप का हिस्सा था, आज के भारत देश का हिस्सा था, वहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और वह जो दिन है वह भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ऐसा कहते हैं कि जैसा ही उनका जन्म हुआ, अभी यह मैंने पहले ही कहा कि यह काफी जादुई या विस्मयकारी, थोड़ी सी काल्पनिक जैसी लगने वाली बातें हैं, लेकिन उनका विचार हमने जरूर करना चाहिए कि ऐसी बातें क्यों कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि उस बालक ने, सिद्धार्थ ने, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने, और यह भी कहा जाता है कि पुराने जन्म में यह बालक जो है वह बोधिसत्व सुमेध करके जाना जाता था। तो ऐसा कहते हैं कि यह बालक ने दसों दिशाओं में पहले तो नजर घुमाई, और उसके बाद उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा। और ऐसा कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर उन्होंने 7 कदम आगे बढ़ाए, और 7वें कदम पर जाने के बाद उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि जगत में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, बहुत गौर करने जैसी बात है कि यह बात सिद्धार्थ के बारे में कही जाती है कि वह पूर्व दिशा में 7 कदम गए और 7वें कदम जाने के बाद उन्होंने कहा जगत में मैं श्रेष्ठ हूं। आप कभी अगर लुम्बिनी गए हो, बहुत सारे लोग गए होंगे आप में से, तो जहां पर यह जन्म स्थान है उसके बाहर एक बहुत सुंदर उद्यान बनाया हुआ है, और वहां पर एक बालक सिद्धार्थ की, बोधिसत्व सिद्धार्थ की एक सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, और उस मूर्ति का दाहिना हाथ ऐसा ऊपर है, ऐसी एक उंगली उनकी ऊपर उठी हुई है, और वह उसका जो भावार्थ है उस मूर्ति के कहने का, वह यह है कि जगत में मैं श्रेष्ठ हूं। तो यह जो बातें हैं यह उनके जन्म के साथ जुड़ी हुई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उस बात पर हमने शायद काफी गौर करना चाहिए या उसका विचार करना चाहिए। वह बात यह है कि सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद उनकी जो माता है महामाया, रानी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई। भाई और बहनों, मैं गौर करना चाहिए यह इसलिए कह रहा हूं कि महामाया को ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि उन्हें सिद्धार्थ को जन्म देते समय भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत ही सहजता से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और ना ही वह इसी कोई दूसरी बीमारी थी उन्हें। इसके बावजूद 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। यह एक बहुत बड़ी घटना है, शायद इस पर ज्यादा लिखा गया नहीं है, ज्यादा बताया गया नहीं है, लेकिन हमने गौर करना चाहिए कि कैसे क्या यह मृत्यु हो गई। भाई और बहनों, आपको पता होगा हमारा भाजा में शिविर केंद्र है, और भाजा के पास में ही एक कारला करके एक गांव है, और वहां पर भी भाजा की ही तरह बहुत सारी लेनियां हैं, और उस लेनी में एक देवी का मंदिर है, उसका शिल्प भी है, और उस देवी को एकवीरा देवी कहा जाता है, एकवीरा देवी। और आपको शायद पता होगा
यह जो आज के जो हमारे मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, और उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे, ऐसा कहते हैं कि वह उस एकवीरा देवी को अपना दैवत मानते हैं और वह हमेशा वहां पर जाते रहते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि आज के जो मुख्यमंत्री है उनके दादा और बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधन काल ठाकरे, इन्होंने एक किताब लिखी है, मराठी में है किताब, वो देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे, एक छोटी सी किताब है, लेकिन मैं जानबूझकर इस प्रसंग में आपको बता रहा हूँ। वह किताब जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए और किस तरह से जो हमारे जो प्रतीक थे उनका विडंबन किया गया और उनको हिंदू देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। यह बहुत सुंदर तरीके से हमारे जो विहार थे उस समय के मंदिर थे उनको किस तरह से हिंदू मंदिरों में और कुछ को तो इवन मस्जिदों में मॉस्क में भी तब्दील किया गया है, यह एक जानने लायक बात है। तो मुझे लगता है कि, और इसको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि यह जो एकवीरा देवी का जो मंदिर है वह एक्चुअली महामाया का मंदिर है, महामाया की वह मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जो माता ऐसे बोधिसत्वों को जन्म देती है जो भविष्य में जाकर बुद्ध बनने वाले हैं और वह भी सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है कि वह एक से ज्यादा ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, जबकि उन्होंने किसी ऐसे बच्चे को जन्म दिया हो जो भविष्य में सम्यक संबुद्ध होने वाला है। तो महामाया की यह जो बात है इस पर हमने गौर करना चाहिए कि उनकी सातवें दिन मृत्यु हो गई। मैं यह दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस बात पर हमने गौर करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि एकवीरा देवी क्यों कहा जाता है। केवल एक वीर को जन्म देने वाली माता, इस तरह से एकवीरा देवी शायद यह नाम पड़ा होगा उसको, तो इस बात पर हमने गौर करना चाहिए। तो यह कुछ बातें हैं जो सिद्धार्थ, बोधिसत्व सिद्धार्थ के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरा प्रसंग आता है सिद्धार्थ के 35वें साल के बाद, जब उन्हें संबोधि की प्राप्ति होती है बोधगया में। लेकिन उनके जन्म से लेके संबोधि तक हम ज्यादा नहीं देखेंगे और हमारा वो उतना मतलब आज उतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है उन बातों पर, लेकिन जस्ट संक्षिप्त में हम देख सकते हैं, आप सबको पता है वैसे, लेकिन मैं फिर से जस्ट थोड़ा सा उसका एक प्रकार से रिवीजन टाइप बताना चाहता हूं आपको। आपको पता है उनका बचपन बहुत ही, एक राजकुमार थे वो, एक राजकुमार का बचपन कितना सुंदर, कितना सुलभ, कितना सुखमय हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर वो तो बोधिसत्व थे, तो बहुत ही सुंदर ऐसा उनका बचपन गया, बहुत ही सुख में पाला गया उन्हें। आपको पता होगा उनके चचेरे भाई थे देवदत्त, उनके साथ बचपन में ही उनका विवाद हो गया था, एक पक्षी जो हंस होता है उसके उसके स्वामित्व के लिए, बचाने वाला श्रेष्ठ है या मारने वाला श्रेष्ठ है, आपको वह घटना याद होगी। उसके बाद में आपको यह भी पता है, सभी को पता है हमें, उनका यशोधरा के साथ, देवी यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ था और उनसे उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने गृह त्याग किया
तो साधारणता वो 1.5 साल का था राहुल जब उन्होंने गृह त्याग किया था। लेकिन इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रसंग है, एक प्रसंग नहीं जो चार प्रसंग है, उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। उसके बारे में थोड़ा सा संभ्रम है हमारे समाज में, लेकिन वह जानने योग्य है कि वह चार प्रसंग क्या थे। उन्होंने चार दृश्य देखे थे। एक तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था, जरा जिसको हुआ था, जरा व्यक्ति को जिनकी आयु काफी हो गई थी। दूसरा उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा था, व्याधिग्रस्त व्यक्ति को। तीसरा उन्होंने एक प्रेत यात्रा देखी थी, मृत व्यक्ति को देखा था, और बाद में एक प्रव्रजित को देखा था, सन्यासी को देखा था। और यह चार दृश्यों का उनके मनपटल पर बहुत गहरा ऐसा प्रभाव हुआ था। बाबा साहब थोड़ा सा डिफर करते हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक युवा व्यक्ति मतलब एक साथ इस तरह से देखे और के रूप में ले सकते हैं। जिस प्रकार के जीवन के बारे में उनके मन में विचार चलते होंगे, वह विचारों को इन चार दृश्यों के रूप में बाद में उतारा गया होगा ग्रंथों में। इस तरह से इन चार घटनाओं को हम ले सकते हैं। और इन घटनाओं का, इन चिंतन का परिपाक करके उन्हें लगा कि मेरा जीवन जो है वह अपूर्ण रह जाएगा अगर मैंने जो सही में सुख होता है या जो दुख है वह कैसे नष्ट हो सकता है, यह अगर मैंने नहीं खोजा तो मेरा जो जीवन है वह किसी काम का नहीं रहेगा। और यह विचार धीरे धीरे उनके मन में परिपक्व होते गया होगा, और उसी के कारण उनके आयु के 29वें वर्ष में उन्होंने गृहत्याग किया। गृहत्याग के बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं, उन कहानियों में हम नहीं जाते, लेकिन आपको पता है कि 29वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष तक, यानी 6 वर्षों तक उन्होंने अलग अलग तरह के प्रयोग किए। वह परिव्राजक बने, उन्होंने ध्यान साधनाएं सीखी, कुछ गुरुओं के साथ में रहे, वह अलग अलग साधनाएं की, अलग अलग विद्याएं प्राप्त की, लेकिन किसी भी विद्या के कारण, किसी भी ध्यान साधना के कारण, किसी भी गुरु के कारण उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने निर्वाण खोज निकाला है, या उन्हें वह पता चला कि दुख कैसे नष्ट हो सकता है। जो चार के बजाय 3 जो दृश्य उन्होंने देखे थे, वह कैसे, उस पर क्या उपाय है, यह वह प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए वह कुछ निराश से थे, अपने गुरुओं से निराश के बजाय पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक एक करके गुरुओं को भी छोड़ा। इतना ही नहीं, तो जो कठोर तपस्या वह कर रहे थे, बाद में उन्हें लगा कि उस कठोर तपस्या से भी उन्हें लाभ नहीं हो रहा, खोजने के बजाय शायद उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा ख्याल आने के बाद उन्होंने वह प्रयास भी छोड़ दिया। और उन प्रयासों से मतलब वह विरत हो गए, तो उन्हें जो 5 मित्र मिले थे, 5 परिव्राजक मिले थे, वह भी उनसे निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह इन्होंने रास्ता मतलब छोड़ दिया है, यह भटक गए हैं। तो वह 5 परिव्राजक भी उन्हें छोड़कर चले गए थे, और बुद्ध सिद्धार्थ जो थे वह अकेले रह गए थे। अभी वह समय आता है उनके संबोधि का, और उसको हम थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए, क्योंकि वह भी दिन हम मना रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा उत्सव के रूप में। तो
तो भाई और बहनों, और एक जो जो क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा संभ्रम जो है, ऐसा कहा जाता है कि सुजाता नाम की एक एक श्रेष्ठ की कन्या थी, उसने उन्हें खीर अर्पण की और वह खीर अर्पण करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यह बात कुछ हद तक सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कठोर प्राप्ति छोड़ने के बाद उन्होंने पहली बार सुजाता की खीर ग्रहण की थी। तो सुजाता की खीर ग्रहण करने के पहले भी उन्होंने अन्न ग्रहण किया था, यह बात हमने ध्यान देना चाहिए। और यह अन्न ग्रहण करने के कारण ही उनका जो शरीर है अच्छा हुआ था, सुदृढ़ हुआ था, उनमें अच्छी शक्ति आई थी, संबोधि प्राप्ति करने के लिए जो ताकत लगती थी वह ताकत उनमें आ गई थी। और निश्चित ही सुजाता का जो भोजन है वह उन्हें जो संबोधि प्राप्ति है उसके पहले उन्होंने निश्चित ही ग्रहण किया था। तो यह भी जो भ्रांति है हमने नहीं रखना चाहिए कि कठोर तपश्चर्या करने के बाद उन्होंने दूसरा कोई भोजन ग्रहण नहीं किया था। तो आपको पता होगा सुजाता ने उनके जो दासी थी पूर्णा नाम की, उस दासी को कहा कि देख करा कि वह खीर अर्पण करना चाहती है, कोई जो ऋषि या मुनि या कोई ध्यानस्थ ऐसा कोई व्यक्ति है, संत जैसा कोई व्यक्ति है, उन्हें देख करा। तो पूर्णा बाहर निकली और बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे हुए थे और पूर्णा को लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक देवता ही है। तो यह पूर्णा ने जाकर सुजाता को बताया और उसके बाद कहते हैं कि बड़े सविनय हृदय से सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ को सुजाता ने वह खीर अर्पण की थी। तो यह जो अन्न ग्रहण है भगवान बुद्ध ने खुद कहा है और यह बात उन्होंने उनके जो महापरिनिर्वाण हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, इस अन्न की उन्होंने बात की है सुजाता के भोजन की। और निश्चित ही उस रात को, उस वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। अभी फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसा जन्म के समय कुछ दिव्य घटनाएं घटी या विस्मयकारी या बहुत ही अकल्पित ऐसी घटनाएं घटी, वैसी ही घटनाएं संबोधि प्राप्ति के समय उनके आयु के 35वें साल के बाद जो वैशाख पूर्णिमा आई, उस वैशाख पूर्णिमा को भी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी है। तो उसमें से एक जो अद्भुत घटना है वह मार विजय की है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह मार विजय जो है यह भी हमने जान लेना बहुत जरूरी है। और हम तो सारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारे बारे में वह शंका नहीं है। निश्चित ही उस दिन सिद्धार्थ गौतम जो है वह ध्यान साधना कर रहे थे, संबोधि प्राप्ति के पहले वह ध्यान साधना में मग्न थे। और उस रात को, उस वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ से वह तथागत बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने और यह बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में हुई थी। तो भाई और बहनों, यह दूसरा प्रसंग है उनके जीवन में जो वैशाख पूर्णिमा के दिन घटा। इसके बाद आपको पता होगा 35 साल से लेकर तो 80वें साल तक, यानी 45 साल तक वह
जगह जगह पैदल चलकर धम्म चक्र को प्रवर्तित करते रहे। धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने निश्चित ही 3 महीने के बाद किया, वैशाख पूर्णिमा के बाद में आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में। और वह भी वह जो 5 भिक्षु जो उन्हें छोड़कर गए थे उन्हीं को उन्होंने सर्वप्रथम धम्म की देशना दी। यह 45 वर्ष जो है वह बहुत ही संक्षिप्त में देख सकते हम, समय नहीं है हमारे पास ज्यादा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 3 महीने के बाद आषाढ़ पूर्णिमा को उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। उसके बाद में उसके 3 महीने के बाद कार्तिक पूर्णिमा को राजगृह में उन्होंने संघ की स्थापना की, और उस समय उनके पास 60 शिष्य थे और उनको मिलाकर ऐसा 61 भिक्षुओं का वह संघ बना हुआ था। और उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने संघ की स्थापना की। मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो संदेश दिया अपने 60 शिष्यों को, Recording in progress. वह संदेश जो है वह ध्यान देने लायक है। उन्होंने अपने संघ को कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय देव तथा मानव के प्रयोजन के निमित्त विचरण करो। 2 भिक्षु एक साथ न जाए, आदि मध्य तथा अंत में अंत के कल्याणकारी धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित पूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का उपदेश करो। तो इस तरह की धम्म देशना देकर भगवान बुद्ध जो है अपने सभी 60 शिष्यों को उन्होंने चारों दिशाओं में भेजा धम्म प्रचार और प्रसार के लिए, और खुद भी वह अकेले गए उर्वेला प्रदेश में। और आपको पता है वहां उन्होंने जटिलों की दीक्षा की। उसके बाद में मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, राजा बिंबिसार उनके शिष्य बने। उनकी जो महारानी थी राजा बिंबिसार की क्षेमा, वह उनकी उपासिका बनी, राजा उनके उपासक बने। उसके बाद आपको पता होगा सारिपुत्त मोग्गलान जो 2 मित्र थे बुद्ध को बिना देखे, केवल बुद्ध के शिष्य को देखकर, अश्वजीत को देखकर उन्होंने यह सोच लिया, उन्होंने यह मन बना लिया कि अश्वजीत के जो गुरु है वही हमारे गुरु है। बिना बुद्ध को देखे ही उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था। वह दोनों ब्राह्मण परिवार से आए थे, तो यह भी एक बहुत अद्भुत घटना है भाई और बहनों। उससे भी अद्भुत यह बात है, बुद्ध के जीवन में ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें हुई है और उस पर हमने गौर करना जरूरी है। इसलिए मैंने बताया कि उनके जन्म को लेकर जो घटना है उसका भी विचार करना चाहिए, उनके संबोधि को लेकर जो घटना है उनका भी हमने विचार करना चाहिए, और उनके जीवन को लेकर, उनके महापरिनिर्वाण को लेकर जो घटना अद्भुत घटना है उनका भी हमने विचार करना चाहिए। जब सारिपुत्त और मोगलान आ रहे थे उसके पहले ही उन्होंने अपने जो भिक्षु संघ है उनको बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो यह जो 2 मित्र आ रहे हैं यह 2 मित्र मेरे अग्रशावक बनेंगे, मेरे मुख्य शिष्य बनेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि पहले ही बुद्ध जानते थे कि सारिपुत्त और मोगलान का भविष्य क्या है और संघ में उनका महत्व क्या रहने वाला है। उसी तरह से भाई और बहनों, महाकश्यप और उनकी जो पत्नी है भद्रा, उनकी भी जो कहानी है बड़ी सुंदर है। यह इतनी रोचक है, इतनी भावना प्रधान और प्रेरक ऐसी कहानियां हैं
सारिपुत्र मोगलान की, महाकश्यप की, भद्रा की, बिंदीसार क्षेमा की, यह जो लिटरेचर है, यह जो ग्रंथ है, हमने जरूर पढ़ना चाहिए। उनको गौर से देखने की हमने कोशिश करना चाहिए। ऐसा कहते हैं जब महाकश्यप और भद्रा जो है दोनों एक साथ उन्होंने परिव्रजा ली थी, उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि महाकश्यप जो पुरुषों का भिक्षु संघ था जहाँ बुद्ध थे उस ओर चले गए, और भद्रा जो थी उनकी जो पत्नी थी वह जो भिक्षुनी संगत जहाँ रुका था उस मार्ग की ओर वह चले गए थे। उन्हें पता नहीं था संघ कहाँ पे है, लेकिन उनका मार्ग शायद निश्चित था, ठहरा हुआ था। तो इस तरह से महाकश्यप और भद्रा भी बुद्ध के संघ में प्रविष्ट हो गए थे। महाकश्यप को भी बुद्ध ने पहले ही जान लिया था कि महाकश्यप आ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, बुद्ध अपने स्थान से उड़ गए थे, भिक्षु संघ को उन्होंने छोड़ दिया था, और खुद जहां पर जहां महाकश्यप आ रहे थे उस ओर वह चले गए, और अकेले में उनके साथ वार्तालाप किया था। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि महाकश्यप और तथागत बुद्ध ने अपने जो चीवर थे वह अदला बदली कर लिए थे। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें हैं बुद्ध और उनके शिष्यों के बारे में। उसके बाद में धीरे धीरे बुद्ध का इतनी ख्याति हो गई, देश प्रदेश में, पूरे जम्बूद्वीप में उन्हें जानने लगे। आपको पता होगा ज्यादातर बुद्ध का जो भ्रमण रहा या उन्होंने जो धर्मोपदेश किया वह खासकर आज का जो उत्तर प्रदेश और बिहार और थोड़ा सा दिल्ली का जो पार्ट है या उड़ीसा कह सकते हैं हम थोड़े बहुत रूप में, ऐसे प्रदेशों में हुआ। लेकिन आपको पता होगा आज का जो मध्य प्रदेश है उसे उस समय अवंती देश कहा जाता था, और उज्जैन शहर जो है वह उस समय बहुत बड़ा भारत का एक शहर था। तो उज्जैन वहाँ की राजधानी थी। तो वहाँ का जो और वहाँ एक जो राजा था उसे लग रहा था कि बुद्ध को उनके देश में लाना चाहिए, उनके राज्य में लाना चाहिए। तो उन्होंने उनके जो पुरोहित थे कात्यायन नाम के, उन्हें भेजा था। कात्यायन गए लेकिन वह प्रवज्जित होकर वापस आए थे, भिक्षु होकर वापस आए थे। तो आप देख सकते हैं कि बुद्ध का धर्म की ख्याति और प्रचार प्रसार किस तरह से होते गया। उसके बाद बुद्ध ने कपिल वस्तु को भेंट दी, वहां पर भी बहुत सारे जो शाक्य थे, नंद थे, राहुल थे, अनुरुद्ध, उनके खुद का बच्चा जो था सिद्धार्थ का राहुल, उनकी भी दीक्षा हुई। उसके बाद अनुरुद्ध है, भद्दीय है, उपाली है, किम्बिल है, आनंद है, देवदत्त है, भृगु है, ऐसे सारे लोग उनके संघ में प्रविष्ट हो गए। अनाथ पिंडक आपको पता होगा बहुत एक दान के लिए मशहूर है बौद्ध जगत में, उनके भाई है सुभूति जिनका नाम था, अनाथ पिंडक के छोटे भाई थे। उसके बाद महाप्रजापति गौतमी जो है जिसके कारण भिक्षुनी संघ की शुरुआत हो पाई। उसके बाद महाप्रजापति का पुत्र था नंद, उनकी बहन थी नंद की या महाप्रजापति की लड़की नंदा, उसका भी प्रवेश हुआ। तो ऐसे कई जो लोग है, नामी गरामी लोग है, जीवक जैसा मशहूर वैद्य था, या जो बहुत दुखी लोग थे पटाचारा जैसी स्त्री या किसा गौतमी जैसी स्त्री, उसके बाद
चिंचा जैसी, जो एक बुद्ध के साथ कपट करना चाह रहे थे, वह भी भिक्षु संघ, भिक्षु या भिक्षुनी संघ में प्रविष्ट होते गए। विशाखा जैसी एक श्रेष्ठी की कन्या श्रावस्ती की, उसके बाद में अंगुलीमाल जैसा डाकू, आम्रपाली जैसी मतलब नगर वधू, इवन जैसे मैंने देवदत्त को बताया, अजातशत्रु जैसा राजा जो, और प्रसेनजीत, अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का था, तो ऐसे सारे राजाओं से लेके तो साधारण व्यक्तियों तक, ब्राह्मण परिवार से लेके तो चांडाल तक, ऐसे सारे लोग बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होते गए। बुद्ध का जो संघ है वह बढ़ता गया, जो और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह जो मंत्र दिया था बुद्ध ने, उसको उनके शिष्य भी उसका चरितार्थ करते गए। और आखिर में वह समय आया जो आज के वैशाख पूर्णिमा का हमारा विषय है। तीसरी बात जो है उस पूर्णिमा की, वह है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, जन्म के साथ, संबोधि के साथ और उनके जीवन के साथ जो विलक्षण घटनाएं घटी है, बताई जाती है, नहीं हुई है, तो वैसी ही घटनाएं उनके महापरिनिर्वाण के साथ भी हुई है। ऐसा सहसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति कह दे कि इस दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसा दावे के साथ आज भी कोई कह नहीं सकता। अभी कोरोना काल चालू है, हमें किसी को कुछ पता नहीं है। कई लोग हमारे जो बहुत करीबी थे अचानक यह दुनिया छोड़कर चले गए, उन्हें भी पता नहीं था कि वह यह दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन जो बुद्ध होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, यह सिद्धार्थ तथागत बुद्ध की घटना से, उनके जीवन से हमें पता चलता है। 3 महीना पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मेरा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन होने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थान भी चुन लिया था कि इस जगह पर कुशीनारा में मेरा महापरिनिर्वाण मैं करना चाहता हूं। तो यह जो बात है, यह उन्होंने 3 महीना पहले वैशाली में कही थी, आनंद को कही थी। और आपको पता है वैशाली, जैसा मैंने उल्लेख किया, जब भी वह आम्रपाली के कारण बहुत मतलब पता है, प्रचलित है वह, और वैशाली उस समय का एक बहुत बड़ा शहर था। वैशाली है, उज्जैन है, मैं बाद में बताऊंगा उन शहरों के नाम और उनका भी महत्व क्या है। तो 3 महीना पहले उन्होंने ऐसी घोषणा की थी और आनंद को कहा था कि हमें चलना होगा, हमें कुशीनारा के तरफ चलना होगा। भाई और बहनों, आपको पता होगा रास्ते में एक चुंद नाम का व्यक्ति उन्हें मिला था, पावा नाम का उसका गांव था, और उसने बुद्ध को और आनंद को भोजन के लिए निमंत्रित किया था। और चाहे जो भी हो, एक बार स्वीकार कर लिया तो बुद्ध वह भोजन ले लेते थे, उसको नकारते नहीं थे। और ऐसा कहते हैं कि वह भोजन जो था वह मांसाहारी था, लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्ति को क्या परोसा जा रहा है वह यह नहीं देखते। जो परोसा जा रहा है उसे वह ग्रहण करते हैं। तो उस तरह से बुद्ध ने वह अन्न ग्रहण कर लिया था, और वह अन्न ग्रहण करने के बाद उन्हें
उनके पेट में काफी पीड़ा होने लगी थी, लेकिन उस वह जो दुख था उन्होंने बिना किसी मतलब दर्शाए, दुख दर्शाए, उसको सहन कर लिया था। वह किसी को दिख नहीं पाया, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पीड़ा हो रही थी। तो भाइयों और बहनों, जब वह कुशीनारा पहुंचे तो आनंद कुछ नाराज से थे। उन्हें लग रहा था कि बुद्ध ऐसे कुशीनारा जैसे गांव में, वह खूब बड़ा गांव नहीं था, शहर नहीं था, ऐसे गांव में वह क्यों महापरिनिर्वाण करना चाह रहे, क्यों उन्होंने निश्चित किया है। आनंद सोचते थे कि बहुत उस समय के जो मशहूर शहर थे, एक चंपा नाम का शहर था, राजगुरु आपको पता होगा, राजधानी थी राजा बिंबिसार की, मगध की। श्रावस्ती उस समय का बहुत बड़ा शहर था, जहाँ से अनाथ पिंडक आते हैं और अंगुलीमाल भी वहीं के थे। साकेत, जो आज की जो जिसे अयोध्या कहा जाता है, साकेत नाम से जाना जाता था उस समय बुद्ध के समय, और वह भी एक बहुत बड़ा शहर था। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, यह भी एक बहुत बहुत बड़ा शहर था, और वाराणसी बहुत बड़ा शहर था। तो आनंद को लगा था कि ऐसे किसी बड़े शहर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण करना चाहिए, देह त्याग करना चाहिए। तो उन्होंने यह प्रश्न निर्माण किया तथागत को। तो तथागत ने कहा कि आनंद ऐसा मत कहो, कुशीनारा जो है यह एक समय में बहुत बड़ा शहर था। वह कहते हैं कि पूर्व काल में इस शहर को कुशावती नगरी कहा जाता था, और राजा सुदर्शन नाम के एक राजा होकर गए हैं, उनकी यह राजधानी थी, इसलिए यह इसका इतिहास जानते हुए मैं यहाँ पर महापरिनिर्वाण करने की मैंने निश्चय किया है। तो यह कितनी अद्भुत बात है भाई और बहनों, कैसे तथागत जानते थे कि यह राजा सुदर्शन की राजधानी थी और पूर्व में इसे कुशावती नगरी कहा जाता था। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। और उस समय उन्होंने आनंद को कहा कि आनंद, यह जो चार शहर जो है मेरे महापरिनिर्वाण का शहर कुशीनगर, जहाँ मैंने पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया सारनाथ, जहाँ मुझे संबोधि प्राप्त हुई बोध गया, और जहाँ मेरा सिद्धार्थ करके जन्म हुआ लुम्बिनी, यह चारों तीर्थ स्थल बन जाएंगे, और जो भी मुझे जो मुझे गुरु मानते हैं या मेरे संघ में प्रवेश करना चाहते हैं, त्रिरत्नों में श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने यह चार शहरों की जरूर यात्रा करना चाहिए, और भविष्य में वह निश्चित ही करेंगे। तो भाई और बहनों, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने आनंद को दी थी, उन्हें हिदायत दी थी, मैंने जब भी वह बात अधूरी छोड़ी थी, उन्होंने आनंद को हिदायत दी कि आनंद जो चुंद है, जिसका खाना खाकर, आखिरी खाना खाकर मुझे पीड़ा हुई, तो उस चुंद को थोड़ा सा भी ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि उसका खाना खाने के कारण मुझे पीड़ा हुई। तो भाई और बहनों, बुद्ध कितने महाकारुणिक थे यह आप देख सकते हैं। यह वैसे देखा जाए तो छोटी सी बात है, लेकिन बुद्ध ने किस तरह से याद रखा और आनंद को हिदायत दी कि चुंद को कहीं ऐसा न लगे कि उसके खाने के कारण बुद्ध की एक प्रकार से उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा।
और उस समय आनंद को यह भी कहा बुद्ध ने कि मेरे जीवन में दो भोजन जो है वह बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। एक भोजन वह जो मुझे सुजाता ने दिया था संबोधि प्राप्ति के पहले, और दूसरा भोजन जो मुझे चुंद ने दिया था महापरिनिर्वाण के पहले। तो यह दो भोजन मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तीसरा भाइयों और बहनों, उनके करुणा की और एक बात है। एक सुभद्र नाम का भिक्षु था और सबको पता था कि बुद्ध अभी महापरिनिर्वाण प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन सुभद्र चाह रहा था कि वह बुद्ध का दर्शन ले, उनका शिष्य बने, उनका उपदेश प्राप्त करे। और आनंद और बाकी जो उनके शिष्य थे वह उसे रोक रहे थे, और बुद्ध को पता चला, आवाज आई, तो उन्होंने आनंद को आवाज दी और कहा कि उन्हें रोको मत, उन्हें आने दो, सुभद्र को आने दो। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुभद्र को अपने अंतिम समय में महापरिनिर्वाण के पहले उन्हें उपदेश दिया, और वह उनका आखिरी ऐसा शिष्य रहा, अंतिम शिष्य रहा। तो यह भी भगवान बुद्ध की महाकरुणी का करुणा का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो महापरिनिर्वाण के कुछ क्षणों पहले उन्होंने प्रस्तुत किया। और चुंद की बात तो अभी मैंने बताई है आपको। और भाई और बहनों, पूरी तैयारी के साथ उन्होंने शरीर को अपने त्यागा, लेकिन शरीर त्यागने के पहले उन्होंने अपना एक अंतिम उपदेश दिया है। और वह जो अंतिम उपदेश है, मेरे ख्याल से आज के दिन यह बुद्ध जयंती महोत्सव मनाते हुए, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हुए, वैशाख पूर्णिमा मनाते हुए, यह जो बुद्ध का अंतिम संदेश है वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए और उस तरह से हमने अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बुद्ध ने अंतिम जो शब्द थे बुद्ध के, वह यह थे कि संस्कार व्यय धर्मा है। संस्कार यानी जो भी हम बने हैं, संस्कारों से बने हैं, हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो है, वह जो बना है वह व्यय धर्मा है। व्यय यानी नष्ट होने वाला है, उसका धर्म यानी यहाँ पर धर्म स्वभाव को कहा गया है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह नष्ट होने वाला है। यानी दूसरे अर्थ में जो भी उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होता है। दूसरे दृष्टि से इसे हम प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा भी कह सकते हैं। तो यह बुद्ध ने आखिरी समय कहा, संस्कार व्यय धर्मा है। और उसके बाद में उन्होंने कहा, अप्रमादेन संपादेत, अप्रमाद के साथ जीवन यापन करो, यानी प्रमाद रहित रहकर। प्रमाद रहित रहना यानी पूरी तरह से जागरूक रहना, अजागरूक नहीं रहना, जागरूक रह के जीवन यापन करना। यह भाई और बहनों, यह बुद्ध का अंतिम संदेश था, और यह अंतिम संदेश आज भी उतना ही महत्व रखता है। अगर हम जागृति से जीवन यापन करेंगे, चाहे वह कोई भी काल हो, चाहे वह कोरोना का काल हो या कोरोना का काल न हो, वह दुख का काल हो या सुख का काल हो, वह हमारे युवावस्था का काल हो, हमारे बचपन का काल हो या वृद्धावस्था का काल हो, हमने जागरूक रह के जीवन यापन करना जरूरी है। अगर हम जागरूक नहीं रहते हैं तो हम बुद्ध के शिक्षा के अनुसार नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाते हैं। और त्रिरत्नों को भी हम शरण गमन
नहीं कर पाते। तो यह आखिरी जो शिक्षा है बुद्ध की, वह याद रखने लायक है। तो भाई और बहनों, मैंने जानबूझकर आज यह कुछ अद्भुत घटनाएं बताने की कोशिश की, उनके जन्म को लेकर, सिद्धार्थ के जन्म को लेकर, सिद्धार्थ के संबोधि प्राप्ति को लेकर जब वह तथागत हुए, और उनके महापरिनिर्वाण को लेकर। इतना ही नहीं तो उनके जीवन को लेकर भी बहुत सारी अद्भुत घटनाएं घटी है। इन घटनाओं को हम दो प्रकार से मतलब खोजने की कोशिश करनी चाहिए, और यह जो खोज है वही हमारा शरण गमन हो सकता है। एक तो संशोधक की दृष्टि से हम देख सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से वैज्ञानिक करता है, एक साइंटिस्ट करता है, उस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा हमारे लिए यह होगा कि हम धार्मिक दृष्टि से उसकी खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। यह धार्मिक दृष्टि से खोज करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह हमारे चिंतन से हो सकती है, हमारे आचरण से हो सकती है, और हमारे साधना से हो सकती है, हमारे प्रैक्टिस से हो सकती है। तो भाई और बहनों, आपने बहुत शांति से मुझे सुना, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका पुण्यानुमोदन कर